अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज अब नई जगह आए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है। हमें मालूम हुआ था चाइना पोर्ट का, लेकिन बहुत लेट हो गए हम लोग, बाद में हम लोगों को आना पड़ा, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किमाड़ी पोर्ट। ये किमाड़ी पोर्ट के आगे ही चाइना पोर्ट बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से शिप दाखिल ना हो सके, वो उनका एक रास्ता है वहीं से दाखिल हो, लेकिन बहुत प्यारा रास्ता बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, और लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और पिकनिक पॉइंट बना लिया है, समझ लें। चलें आपको इसके शॉट्स दिखाते हैं वहाँ जाके कि कितना बेहतरीन है और कितना बहुत अच्छा खासा लंबा रास्ता है, और समंदर के बीच में ये रास्ता बनाया गया और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे टावर भी बनाए हुए हैं। आए चलें, अगर मौका मिला तो टावर पे भी ज़रूर चढ़ेंगे और आपको सारी डिटेलिंग देंगे। तो चलें हमारे साथ। पोर्ट पहुँच चुके हैं, आपने तो देख लिया, वो तो कुछ भी नहीं था सफ़र, ये असल सफ़र तो यहाँ स्टार्ट है। बहुत मुश्किल सफ़र है अब आगे का, और देख रहे हैं हम कितने मुश्किल है यहाँ पे चलना। आपको जो भी मुश्किल होंगी और जैसे भी हमारा इंजॉयमेंट होगा, हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ साथ रहिए और आ जाएं। तो भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे चलना भाई, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं कितने पहाड़ों पे चढ़ा हूँ, वो जगह मुझे आसान लग रही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल। इसके जो शेप है ना, बहुत जो डिज़ाइन किया हुआ, एक तो पैर स्लिप हो रहे होते हैं बहुत, इसलिए इसको लाइट नहीं लीजिएगा, बहुत मुश्किल है यहाँ चलना। बस यहाँ के आपको मनासर और दिखाते हैं, इस तरफ के उल्टे हाथ की तरफ भी समंदर है, सीधे हाथ की तरफ आपको वो किमाड़ी वो मिलेगा और उल्टे हाथ की तरफ आपको समंदर मिलेगा। तो ख़वातीनों हज़रात देख सकते हैं आप कितना मुश्किल है यहाँ, मेरे पीछे देखें कितनी मुश्किलों से लोग चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ चलना भाई। लेकिन ये लेकिन पिकनिक पॉइंट के लिहाज से ना बहुत बेहतरीन है, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त, फ्रेश हवा है, बंदरगाह का भी बहुत ही करीब है और पहाड़ है यहाँ पर, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का और बड़ा फ्रेश आपको लगेगा यहाँ आकर, और बड़ा मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो और उस्मान भाई से भी जानते हैं कि उस्मान भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उस्मान भाई आपको कैसी लगी ये जगह, और मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आप तो आए नहीं आगे, तो मैं तो गया आगे, मुझे बहुत तफरी। खतरों के खिलाड़ी हैं ये, खतरों के खिलाड़ी। मैंने कहा भाई बनाई है मैंने आपने वीडियो, हाँ तो बनाई है मैंने आपकी वीडियो, आप तो भाई ऐसे जैसे कराटे मास्टर नहीं होते थे, यूँ कूद कूद के जा रहे हैं। मैंने कहा भाई जिंदगी पहले फिर एंजॉय कर लेना। व्यूअर के लिए जो है ना ये सिर्फ मैंने किया है, व्यूअर के लिए, आप लोगों के लिए मेहनत की है, आप लोगों के लिए मेहनत करी है और किसी के। तो इस पे सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है भाई, बनता है इतने खतरे मोल पे तो बनता है सब्सक्राइब और शेयर। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, क्योंकि हम तो चल रहे थे बस। और यही कहेंगे कि अगर ऐसी कोई जगह आपको मिलती है या आपको नज़र आती है तो हमें प्लीज़ कमेंट किया करें, ताकि हम उस जगह को आपके लिए जो जाकर हैं वो डिस्कवर करें, और जिन लोगों के बीच में वो नहीं है प्लेस, तो उनको जाकर उस लोकेशन को हम जाकर जो है कवर करें और आप लोगों तक लेकर आए। तो हमें किसी ने बताया था कि चाइना पोर्ट, हमें पता नहीं था, हम कराची में रहते हैं और हमें पता नहीं चाइना पोर्ट का, मुझे तो पता था ना, मुझसे पूछ लेते हैं। घर का धोबी लंका ढाए वाला सीन हो गया, पता ही नहीं है। खैर खैर हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप देखना चाहते हैं हमारे, तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, लाइक करना भूलिएगा नहीं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, मार्क ज़रूर कीजिएगा नई लोकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।